गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान कक्षा 6 का पाठ 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पिछले 3 वीडियोस में पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के सदुपयोग, विज्ञान के दुरुपयोग और महान वैज्ञानिक एवं उनके योगदान के बारे में सीखा। आज हम पाठ 2 के अंतर्गत पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हमारा लर्निंग आउटकम है बच्चे द्रव, ठोस एवं गैस में अंतर कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम इसके बारे में इस शीट के द्वारा जानते हैं। शीट नंबर 4। बच्चों, आपने अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखी होंगी और जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, मेज, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। बच्चों, इनमें से कुछ वस्तुएं तो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं और कुछ वस्तुएं प्रकृति में ही पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। बच्चों, जिन वस्तुओं में भार होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। बच्चों, हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं वो चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। कुछ वस्तुएं तो एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, जैसे लोहे से पेच बनता है, कील बनती है, कुछ बर्तन भी बनते हैं, औजार भी बनते हैं, तो इन सभी में लोहा होता है। लेकिन बच्चों, कोई कोई वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है, जैसे खुरपी। खुरपी में लोहा भी होता है और उसमें जो हत्ता लगा होता है वो लकड़ी का होता है, तो वो दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो बच्चों, इसी तरह कितनी ही वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कुछ तो एक ही पदार्थ से बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं कई पदार्थों के मेल से बनी होती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। बच्चों, किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, रंग और उपयोग आदि के आधार पर होती है। इसी आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाहरी संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है और आंतरिक संरचना के अंतर्गत रासायनिक वर्गीकरण होता है। बच्चों, पदार्थ को 2 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं कि उसकी बाहरी संरचना कैसी है और उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। बाहरी संरचना के आधार पर भौतिक वर्गीकरण होता है और भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में विभाजित करते हैं तथा रासायनिक के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा अभ्यास कार्य है पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती हैं। बच्चों, क्रमांक 3 का उत्तर है नंबर 1 कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान, नंबर 2 चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर। तो प्यारे बच्चों, अब हम विराम लेते हैं। अगली वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।